ये जो वतन है ये भी हमारा है। पढ़ दीजिए, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, ये चमन हमारा है, हम हैं नगमखां इसके, इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन हमारा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, नारे तकबीर। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इसलिए एक शेर सुना रहा हूँ, खत्म बात, जा रहा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन एक मैसेज दे के जाना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि ये मौलवी वतन से मोहब्बत नहीं करते, वो गलत कहते हैं। उन्हें बतलाइए, या तो वो तारीख से नावाकिफ हैं या वैसे ही बुग्ज रखते हैं उलमा का। उन्हें बतलाइए कि वतन अजीज़ का परचम सबसे पहले एक आलम दीन ने लहराया। इसलिए हम सच्चे और सुच्चे मुहिब वतन हैं। जामिया अनवारुल कुरान में आज आखिरी कलाम में वतन का तराना पेश कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता वतन पे वक्त आया तो सबसे पहले पहली सफ में जो खड़े होंगे वो यही उलमा होंगे, यही तलबा होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ये कहना बड़ा गलत है कि हम मुहिब वतन नहीं है। बतलाइएगा उनको, जामिया के प्रोग्राम में वतन का तराना पढ़ा गया, सुनिएगा। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। पाकिस्तान का मतलब क्या, जिंदगी बाकी।